जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे है। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल है और देश में जिस प्रकार की घोषणाएं भी हुई, मतलब मुझे तो सबसे अच्छा वही लगा कि भाई आर्मी स्कूल में अब लड़कियां भी पढ़ सकेंगी, उसको लेकर जो घोषणा हुई वो वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन इन सभी की चीज़ के बीच में हमें एक बात जो नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि कोरोना आज भी हम सभी के बीच में है। मतलब तीसरी लहर का अंदेशा कई लोग लगा ही रहे हैं और भारत की जब जनसंख्या जिस प्रकार की है, प्लस हमारे देश के लोगों की मानसिकता जिस प्रकार की है, मतलब जो बल्लम बन के घूमने की मानसिकता होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अरे हमें तो कोई टच भी नहीं कर सकता। और जिन्होंने भी ये कहा था ना, दूसरी लहर में हमने देख लिया कि किस प्रकार से कोरोना टच भी करता है, अफेक्ट भी करता है, मानसिक रूप से भी तोड़ता है, फाइनेंशियली भी तोड़ता है, और फिर घर तो कितनों के ख़राब हुए, ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझाने के लायक। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में मुझे एक जो चीज़ लगती है वो ये कि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते या फिर एक पब्लिक सेलिब्रिटी होने के नाते, फिर चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, मतलब आरजेडी का हो, शिवसेना का हो, किसी का भी हो, अगर एक नेता हैं आप, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं आप, या फिर यूँ कह लो कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आप बिना मास्क के ऐसे पब्लिकली घूमेंगे तो जाहिर सी बात है आपको देखकर कई लोग ये बोलेंगे कि अरे वो फला सेलिब्रिटी भी तो घूमता है, हम क्यों नहीं घूम सकते। क्योंकि यही चीज़ बंगाल चुनाव के समय जब कुछ नेता लोग बगैर मास्क पहने रैलियां कर रहे थे, तब भी लोग यही कह रहे थे कि अरे हमारे तो नेता नहीं पहनते तो हम क्यों पहने। और फिर देखिए, तो ऐसे में अगर हम लोग उंगली ना उठाएं तो फिर क्या करें। अब सैफ अली खान और करीना कपूर की कुछ तस्वीरें हैं जो कि वायरल हो रही हैं, जिसमें कि वो पब्लिक प्लेस पर बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं और लोग उनकी कड़ी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और सैफ अली खान परिवार समेत मालदीव टूर के लिए रवाना हुए। सैफ 16 अगस्त को 51 साल के होने जा रहे हैं और ऐसे में उनके जन्मदिन को मनाने के लिए ये टूर पर गए हैं। सैफ के साथ उनका बड़ा बेटा तैमूर और छोटा बेटा जहांगीर भी एयरपोर्ट पर दिखे। कोरोना के कारण सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क अनिवार्य किया गया है, लेकिन कपल एयरपोर्ट पर बिना किसी मास्क के था। इस कारण से सोशल मीडिया पर लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके इस वीडियो को फोटोग्राफर वरल बियानी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दोनों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। बस इसी गलती के कारण जहां आम लोगों पर जुर्माने का प्रावधान है, वहीं बॉलीवुड स्टार्स अपनी लापरवाही से कानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाकर निकल जाते हैं। अभिनेता ने प्राइवेट प्लेन के जरिए यात्रा करी है, जाहिर सी बात है पैसा बोलता है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहनने को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। मतलब जैसे नयन तारा लिखती हैं, वाई आर दे नॉट वियरिंग मास्क। यूज़र ग्रियन जाट ने बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री को मास्क लगाने की सलाह देते हुए लिखा कि इन मैडम और नवाब को बोलो कि ज़रा मास्क लगा लें। सुमिता नरूला नाम की यूज़र ने वीडियो पर कमेंट करते हुए मीडिया को ही दोषी ठहराया और कहा कि बाप रे कितने गंदे तरीके से ये लोग तुम लोगों को लुक दे रहे हैं और शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मैम मैम कर रहे हो। वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा कि इन्हें इतना महत्व दिया ही क्यों जाता है। मतलब जाहिर सी बात है, एंजेला नाम की एक यूज़र ने कहा कि सारा और इब्राहिम को करीना सैफ के साथ छुट्टियों में जाते कभी नहीं देखा, तैमूर भी अमृता सिंह के घर पर कभी नहीं दिखा, ऐसा लगता है कि सैफ उन सभी को भूल चुके हैं और अपने नए परिवार के साथ वो ज़्यादा खुश हैं। एक अन्य यूज़र ने करीना कपूर खान को टैग करके पूछा कि आखिर उनका मास्क कहाँ है, क्या उनके लिए कानून नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस को भी टैग किया। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण अन्य राज्यों की अपेक्षा एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ बीते 24 घंटे में 5,000 से ज़्यादा नए केस मिले हैं। इसके अलावा राज्य में 63,000 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो राज्य 63,87,863 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 61,86,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। पर देखिए, जो परिस्थितियां हैं उनको बदलते देर नहीं लगती, और यही वजह है कि लोग सैफ अली खान और करीना कपूर खान को ये बोल रहे हैं कि भैया मास्क पहन लो। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।